जैसा कि क्लोजिंग अपडेट में आप सभी से बोला था कि जो एक वीडियो आएगा, यानी सीमेंस के ऊपर एक वीडियो आएगा, क्यों और कैसे डिटेल में समझेंगे। देखिए, जैसे उसमें बोला था कि यहां से इसके ऊपर नजर रखना जरूरी हो चुका है। अब देखिए, जैसे गवर्नमेंट का प्लान है ना, सबसे पहले गवर्नमेंट के प्लान को सुन लेते हैं। ये जो न्यूज है जो बोलने जा रहे हैं, ये है तो जरा सा पुरानी, लेकिन इसका जो इंपैक्ट है और जो शेयर के ऊपर इसका इंपैक्ट है, जो स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट होना है, वो अभी भी बचा हुआ है। न्यूज क्या है? न्यूज है कि गवर्नमेंट का जो प्लान है ना, वो 2022 तक, वहां तक जितने भी हमारे सारे यहां सभी की बात कर रहे हैं, होल इंडिया की बात करें, सभी जितने भी मीटर हमारे इलेक्ट्रिक मीटर, उन सभी को प्रीपेड बनाने का प्लान है। ऐसा क्यों? देखिए, हमारे वहां चोरी है ना, बड़े ही आम बात होती है। चोरी तो खूब होती है, वहीं अगर बात करें बिजली चोरी की, वो भी आम बात होती है। हर शहर में आपने किसी न किसी नए नए तरीके से, आपने इनोवेटिव तरीके से चोरी होते हुए आपने जरूर देखी होगी। तो उस चीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट का यही प्लान है कि जितनी भी ये चीजें हो रही है, इस चीज को रोका जाए, कम से कम किया जाए, सो दैट चीजें अच्छी एंड ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ सके। अब इस चीज के इनको फायदा है, सीमेंस की अगर बात करें, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है, वो इस कंपनी को मिला है। और ये न्यूज आज के नहीं है, पुरानी न्यूज है। देखिए, न्यूज तो पुरानी है, ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, ना ही 2022 आ हुआ है, ना ही शेयर इतना भाग चुका है कि हाथ लगाने में जहां से इसको डर लग जाए। यानी सब कुछ अभी इंपॉर्टेंस लेवल पे शेयर है, इंपॉर्टेंस अभी भी न्यूज के बची हुई है। और अभी कॉन्ट्रैक्ट, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है पूरे देश के सारे मीटर को प्रीपेड करने का, अभी भी वो चीज पूरी नहीं हुआ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां तो हम समझ गए न्यूज कि कितनी दमदार न्यूज है। अब ये कंपनी क्या काम करती है, ये भी समझ लेते हैं। बड़े ही बेसिक में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझा देंगे। कंपनी क्या करती है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक के जितनी चीजें होती है उन्हें बनाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी भी चीजें होती है ये सब बनाती है। और इतना ही नहीं, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग होते हैं उन चीजों को, जितने भी उसके प्रोडक्ट में, एंड सेफ्टी एंड जो ट्रैफिक कंट्रोल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो ट्रैफिक कंट्रोल इक्विपमेंट है, सब कुछ कंपनी बनाती है। इसके अलावा कंपनी जो पावर एंड गैस के सेक्टर में भी काम करती है, या फिर उसके प्रोडक्ट एंड सर्विस वहां भी अवेलेबल होते हैं। तो यहां से हम कुछ समझ पाए, जो न्यूज है, जो कंपनी का काम है, यानी कि इसको काफी बेनिफिट यहां से होने वाला है। उसके बाद बात करें ना, बड़े ही शानदार एक कंपनी है। अब कितनी शानदार है, कितने इसके नंबर्स इंपॉर्टेंट है, उन्हें एक बार चेक कर लेते हैं। नंबर चेक करने के लिए शुरू करते हैं रीसेंट एक्शन से। पहले क्या हुआ वो तो देखेंगे ही, अभी क्या हुआ पहले वो देख लेते हैं। नेट सेल की बात करें, 22% के जंप नजर आई है। अच्छा, ऐसा कह सकते हो, वाई ओ वाई बेसिस पे। बात करें प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की, वाई ओ वाई बेसिस पे 90% की जंप है, कम नहीं होता। ईबीटा की बात करें ना, 60% की जंप है, ये भी कम नहीं होता। ईपीएस की बात करें, यहां देख सकते हो 4.94, ऑलमोस्ट 5 से 9 हो चुका है। आप इसे कह सकते हो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ये है इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट। इसके नंबर कैसे रहे जरा ये चेकआउट कर लेते हैं। सेल्स ग्रोथ के ऊपर नजर डालिए, 5 साल में ऑलमोस्ट नॉट इवन 1%, 3 साल में नॉट इवन 1% पॉजिटिव में, 1 साल में -22%, यानी इसके सेल्स काफी गिरी हुई है। आपको यहां चेकआउट, आपको यहां दिख रहा होगा। उसके बाद बात करें प्रॉफिट ग्रोथ, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है, यह आप चेकआउट कर सकते हो। 5 साल में इसकी जो ग्रोथ आ रही है ना, वो नेगेटिव में है, 3 साल में -12%, 1 साल में -23%, यानी कि जो जितनी शानदार कंपनी है, जितना इसका बड़ा नाम है, उस हिसाब से इसके जो प्रॉफिट एंड सेल्स तो नहीं दिखा रहे। आगे अगर देखें आरओई की बात करें, यहां पर भी आप देख सकते हो, 5 और 3 साल में तो तब भी ओके ठीक था, अभी यहां देख सकते हो 1 साल में 8 थोड़ा हमें कम दिख रहा है, बाकी कंपेयर करें तो बाकी सालों से। उसके बाद देखें आरओसी, यहां पर भी आपको 5 साल में अच्छे थे, लेकिन अभी कम हो रहे हैं। यानी हमने इसके फंडामेंटल देखे ना, उतने देख के ऐसा नहीं कि वाओ क्या फंडामेंटल है, जैसे हमने बाकी कंपनीज के देखे, जो स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनीज है, किसी का भी आप नाम लीजिए जो अच्छे कंपनीज है, इस चैनल पर आते ही रहते हैं। इसके बाद बात करें ना, डेट इस कंपनी का कुछ नहीं है, ये हमारे लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। उसके बाद अगर बात करें प्रोमोटर के पास जो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है ना, उन्हीं के पास है 75% के, डीआईएस के पास है 10%, ऑलमोस्ट 10.5 के आसपास, एंड एफआईएस का 4+, यहां आप देख सकते हो। पब्लिक का भी इंटरेस्ट बना है 10 के आसपास, इनकी मेजोरिटी जो है, या फिर सेबी का जो नियम है 75 एंड बिलो, बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे कंपनी खड़ी है। इसके बाद किसी तरह का इसके जो नंबर में ऊपर नीचे है वो हम चेकआउट कर लेते हैं। आप यहां देखोगे जून में, जून 2020 से लेकर मार्च 2021 तक, यानी पिछले 4 क्वार्टर में इसमें हुआ क्या, एग्जैक्टली आप समझने की कोशिश करें ना। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आप नजर डालिए, यहां पर आप देखिएगा दिस वन -12,
जून में, उसके बाद रिकवरी आई 450 CR, उसके बाद एक डिप, उसके बाद यहां से पिछले क्वार्टर में यहां ज्यादा, यानी कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यह बता रहा है एटलीस्ट वो प्रॉफिटेबल में है, कंपनी कुछ काम कर कुछ धंधा लेके आई, ये अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट के ऊपर जरा नजर डालिए, आप यहां देख सकते हैं नेगेटिव में, उसके बाद धीरे धीरे 330, उसके बाद 296 एक डिप, उसके बाद 334, यानी कि थोड़ा जिगजैग जरूर है क्वार्टरली बेसिस में, लेकिन पॉजिटिव चीजें हैं। जरा इसके ईयरली के ऊपर नजर डाल लें, आप यहां देख सकते हो नेट प्रॉफिट के लिए आखिरी में जरा देखेंगे अगर यहां पर हम दिस नेट प्रॉफिट 901, उसके बाद एक जंप, उसके बाद डिप, जैसे कि हमने देखा सितंबर क्वार्टर में एक डिप आया हुआ है, उसके बाद यहां पर, यानी कि जिस सितंबर के क्वार्टर का रिजल्ट है वहां तक अभी कंपनी नहीं पहुंच पाए। प्रॉफिटेबल है लेकिन किस तरह से, रेशियोज हमने देख लिए, आपको चीजें बाकी समझ में आ ही गई होंगी। जो हमने नंबर के फॉर्म में देखा उनको जल्दी से क्विकली से बार के फॉर्म में देखने की कोशिश करें, यहां देख सकते हैं क्वार्टरली के बेसिस पे किस तरह से जिगजैग हुआ है, कभी ऊपर कभी नीचे, आपको ये देख सकते हैं इसका रेवेन्यू है, रेवेन्यू तो बड़ा था लेकिन एक प्रॉफिट में उस तरह से प्रॉफिट नहीं हुआ था, इसका भी एक रीजन होता ही है। वही बात करें अगर इसके ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू किस तरह से हो रहा है, यहां पर भी आप देख सकते हो, यानी कि ठीक ठाक कंपनी एक धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली बढ़ी रही थी, लेकिन 2020 में एक डिप आपको नजर आ रहा है। हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न जो देखा था अभी वो रिसेंट का था, वो रिसेंट का बना कैसे उसके लिए देखते हैं एफआईएस का एक्शन। जून से 4.16 अभी है 4.36, जरा सा बढ़ाया है और कुछ नहीं किया, कम नहीं किया। बात करें इसकी डीआईएस की 10.13 था, अभी हो जाएगा 10.58, जरा सा इन्होंने भी बढ़ाया और कुछ नहीं किया, बाकी पब्लिक ने अपनी जो होल्डिंग है उसे कम ही किया हुआ अभी तक। इन सब के बाद ना जो एनालिस्ट बैठे हैं उनकी जो रेटिंग बनी 43% की जो बन रही है, जो शेयर जो एनालिस्ट हैं उनकी राय बनी है बुलिश। आपको तो करनी है अच्छे से रिसर्च, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। कैसे दिए इस कंपनी ने रिटर्न, जरा वो भी देख लें। 3 साल के बात करें ऑलमोस्ट डबल कर दिया है 103%, यानी पैसा दुगना हो चुका 3 साल में। 2 साल में 62%, 1 ईयर में 85%, 6 महीने 30%, 3 महीने में और 1 महीने में कंपनी फ्लैट है, यानी हमारे लिए यहां पे एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर टेक्निकली सपोर्ट कर रहा है तो, क्योंकि 1 महीने में भागा हुआ शेयर हमें नहीं मिल रहा है, ये तो हमने देख लिया। वहीं बात करें इसका वैल्यूएशन क्या बोल रहे, वैल्यूएशन के ऊपर नजर डालना, इंडस्ट्री पीए 88 की, ये आपको मिला 76 का, यानी इंडस्ट्री से थोड़ा सा नीचे मिल रहा है, यहां पे आप कह सकते हो इसीलिए मिला क्योंकि फंडामेंटल जिस हिसाब से अभी हमने देखे उस हिसाब से वाव क्या फंडामेंटल, वैसे फीलिंग नहीं है लेकिन कंपनी बड़ी अच्छी है, इस चीज को हम कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इनको अच्छे मिले, ये तो हमने एक एक न्यूज की बात कर, अगर जरा डिटेल में जाते हैं यहां डिस्कस करते हैं तो बड़े ही कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन उस चीज के लिए बनाते बनाते वीडियो बड़ा ही लंबा हो जाता है और आप लोग बड़े वीडियो देखते नहीं हो, इसलिए वीडियो को छोटा रखना पड़ता है। ईपीएस इसका जरा देखें 26 का, इसे आप अच्छा कह सकते हो। डिविडेंड यील्ड इतनी अच्छी है नहीं, इसके 0.35 का है, यानी डिविडेंड बहुत अच्छा कंपनी देती नहीं है। आज के दिन की डिलीवरी की बात करें 16 के आसपास है, बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन इसके ऊपर यहां से नजर रखना जरूरी हो जाता है, उसको हम देखेंगे चार्ट के ऊपर। यहां पर आप देखिए आपका इस वक्त आपके सामने जो सीमेंस का है 1 वीक का चार्ट ओपन है, यानी हर एक कैंडल हमें 1 वीक रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें किस तरह से नवंबर या फिर अक्टूबर से किस तरह से वन साइडेड वीकली के टाइम फ्रेम में इसमें एक अपमूव आया है, आप यहां चेकआउट कर सकते हो। जैसे ही ये शेयर वीकली के टाइम फ्रेम में अपने इस मूविंग एवरेजेस के ऊपर गया, इनके इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, सपोर्ट का क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफी टाइम से इस बॉक्स में था, जैसे ही ब्रेक किया आप ये वॉल्यूम देखिए और उस वॉल्यूम के बाद की एक रैली देखिए, अभी तक वो रैली आपको जो वॉल्यूम है वैसे टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उस तरह से अभी यहां पे सेलिंग नहीं हुई है। यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, ना ही वॉल्यूम में दिख रहा है ना ही प्राइस में दिख रहा है। तो इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अभी ये बिल्कुल जब भी नीचे गिरता है वीकली के टाइम फ्रेम में अपने जो वीकली का 20 वीक है उसको सस्टेन करता है, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग को अच्छे से सपोर्ट करता है, उसका रिस्पेक्ट करता है, उसके बाद ही धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं इसको वन डे में तभी ठीक से समझ पाएंगे। आप यहां देख सकते हो जैसे इसका रीसेंट का जो हाई बना था यहां पर, इसकी अगर बात करें यहां से हाई बना था, उसके बाद इसने यहां उसको रिटेस्ट करने की कोशिश किया, सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन जरा ये तो देखिए आप, ये कौन सा फॉर्मेशन बन रहा है, ये जनरल जो होता है ना एक बुलिश होता है, एक डब्ल्यू आपको बन रहा है यहां से, तो यहां से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। अब ये जब बनेगा तब बनेगा तब तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसको चीजें को थोड़ा थोड़ा सा पहचान पाए कि ऐसा हो सकता है तो शायद हम थोड़ा ठीक से एनालाइज कर पाए। ऐसे में हमारे लिए क्या है, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है वो 50-day EMA है इसकी, वहां पे इसने सपोर्ट लिया, जैसे ऊपर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, जो रफली जो प्राइस निकल के आया था 1969 के आसपास। वैसे भी बात करूं ईएमए के बेसिस तो आप ईएमए के बेसिस पे तो आप समझ ही गए, लेकिन हमारे लिए तो प्राइस एक्शन ही काफी होता है, ईएमए तो बाद में काम करेंगे। ये जो सपोर्ट था उसने वही सपोर्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की जर्नी शुरू कर दी। आज भी ऊपर गया था, जैसे कि हमने देखा जो क्लोजिंग अपडेट था वहां दिखाया था कितना ऊपर गया था, यानी ऊपर गया था
2090 के आसपास गया था एंड क्लोजिंग हुई है 2025, यानी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई। वो ये रेजिस्टेंस का लेवल था जो आपको यहां पर दिख रहा है, ये जो लाइन जो आज का टॉप है वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग है। चलिए आज के दिन तो नीचे आ गया, लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे ही ये शेयर अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाने लग जाएगा। शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म कौन सा है जो आपको रेड लाइन दिख रही 20 डे ईएमए, 2063 2065 के आसपास ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज 2100 के ऊपर तो जाते ही बड़ा ही फायर हो जाएगा, इसलिए यहां से इसको नजर रख सकते हैं। भागा हुआ शेयर नहीं है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास मिला, रिस्क एंड रिवॉर्ड यहां से फेवरेबल नजर आ रहा है, न्यूज आप जानते हैं, पर शेयर उतना खराब है नहीं। तो और मार्केट का जो जनरल मार्केट ट्रेंड है वो बुलिश है, तो इसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। चलिए हमने थोड़ा ठीक से बातें कर ली, इसमें जो रह गए होंगे, जो सजेशन है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपको लगता है कमेंट में आप लिखते जाइए। क्योंकि क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई भी आप में से किसी एक कोई चार टॉपिक लिखता है और किसी के रह जाते, तो आप ही के हर किसी के टॉपिक को धीरे धीरे पिक करना पड़ता है। इसलिए हो सकता है कभी आपका शेयर आ रहा हो, कभी दूसरे के शेयर के ऊपर वीडियो आ रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे सभी के जितने वीडियोज हैं उन्हें कवर करने की। चलिए तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर हम लाते ही रहते हैं। एग्जिट करें ना वीडियो से, एक बार डिस्क्रिप्शन को उट कर लीजिए, क्योंकि वहां आपको प्राइवेट चैनल का प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है प्लस टेलीग्राम का जो लिंक वो भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप सीधा टेलीग्राम पे लिखेंगे ट्रेड टारगेट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।